हेलो दोस्तों, आपका अपना बिजनेस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ सोनपुर, जो कि बकरी मंडी। देखिए बकरी लेने वालों की कितनी भीड़ है, मतलब इतना है कि लोग पास 3-4 बकरी ही बची हुई है। जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सीधे रास्ता सोनपुर मेला की ओर चले जाती है, और ये जो रास्ता है ये घोड़ा बाजार से आता है, और ये घोड़ा बाजार वाला रोड है। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन भीड़ इतनी है कि देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ है। और लगभग सारी बकरियां जो है कि सेल हो जा रही हैं लोगों के पास। इतनी बकरी, राजस्थानी बकरी, बाहरी की बकरी, बाहर की बकरी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप बकरी ले तो सोच समझ के ले, परख के ले, जांच करके ले। ऐसे बकरी कोई भी ना उठा ले जो उसमें खुश हो बैठे, क्योंकि 8,000-10,000 रुपया कहलाता है। चलिए तो मैं देखना चाहूँगा क्या रेट है, किस तरीके टाइप की बकरी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी इस लॉट में जो है ना, ज़्यादा बड़ा बड़ा बच्चा नहीं है। आपको 8 किलो 9 किलो 10 किलो का होगा, मतलब आराम से 6,000-7,000 तक आपको बच्चा हो जाए। और देखिए इसमें थोड़ा सा बच्चा बड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बच्चा छोटा छोटा है। तो इस तरीके से भी बच्चा छोटा, तो मतलब जिनको छोटा बच्चा चाहिए। क्या दाम रखे हुए दोस्त, दाम कितना रखे हुए हो? 500 रुपये किलो। तो छोटा छोटा बच्चा ले सकते हैं आप, जैसे 500 रुपये KG ये बच्चा है, तो ज़्यादा नहीं होगा। 7 किलो 8 किलो का होगा तो आराम से 4,000 तक बच्चा हो जाएगा। ये कौन सा नस्ल का है, ये वाइट एंड ब्राउन में जो है, ये कौन सा नस्ल का है? नस्ल नहीं जानते हैं, कौन से जात का, मतलब किस सोजत है, सिरोही है, नहीं तो इनको नस्ल नहीं मालूम है। तो लेकिन आप बड़ी बकरी भी ले सकते हैं, छोटी भी। देखिए लेकिन हाइट देखिए आप, उस तरीके से आप ले सकते हैं। आपको उस हिसाब से, आपको बकरी लेना है तो बकरी चुने, खस्सी लेना है तो खस्सी चुने। तो जो रेट बता रहे हैं उससे कम, 400 रुपये अप्रोक्स होता है। मैं हमेशा वीडियो बनाता तो 400 रुपये किलो का ही होता है, लेकिन 500 रुपये 400 रुपये इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आप ले सकते हैं। देखिए वो बच्चा बड़ा ही खाने वाला पत्ता, तो जो गांव देहात के हैं आप वो लेकर के खा सकते, मतलब जो गांव वो लेकर के, और इस तरीके का बकरी रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में उनके लिए बेस्ट हो और खिला पिला करके अच्छे से रख सकें। एक भैया है, ये जो पूरा जो है ना बकरी का लॉट है, 11 पीस ये ले चुके हैं। कैसे, 500 रुपये KG दे चुके हैं, और टोटल 11 का 11 जो है कि बिक चुका है। अभी गाड़ी पर लेट होगी। तो देखिए बच्चे लेने वाले इतने बच्चे ले जाते हैं एक बार में, 11 को 12 को। हो सकता है ये कॉलेज के हैं, बता रहे कि हम कॉलेज से हैं, तो इनको अनुभव है पालने का। तो ये तो बच्चा तो लॉट सेल हो चुका है। देखिए इस तरीके से लोडिंग हो रही है बच्चे की, और ये यहाँ से दरभंगा जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चे ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से बच्चे लोड हो रहा है, और भी बच्चे हैं, भरे हुए हैं बच्चे, और भी लॉट में है, बहुत भीड़ है। वैसे मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत इसमें बच्चा था। देखिए अभी बच्चा बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है। देखिए इस तरीके से लोड हो रही है यहाँ पे, और बच्चे आप देख सकते हैं 500 रुपये किलो का है, हालांकि 300-350-400 रुपये KG है। लेकिन देखिए किस्मत की बात है, कुछ ट्रेडर यहाँ पर 300 रुपये भी नहीं बेच पा रहे हैं, कुछ जो है कि 400-500 रुपये बेच दे रहे हैं। तो इस तरीके से और भी बच्चे हैं, देखिए छोटा छोटा खूबसूरत खूबसूरत, इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं। वो बच्चे दिखा के बच्चे बेचे जाते हैं। तो मैं पहले भी कहा था कि ले जाने वाले बहुत सारे ले जाते हैं, जिनको अनुभव है, नॉलेज है, वो बेहतर ले जाते हैं, ढेर सारे ले जाते हैं, जिनको नहीं है वो 1 पीस 2 पीस ले जाते हैं। इस तरीके से देखिए वजन से तोला, देखिए कैसे वजन से तोलाता है वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इस तरीके से वजन से तोलाता है, और मैं वजन भी बताऊँगा, 12 किलो है। तो देखिए यहाँ पर 600 रुपये। तो इस तरीके से देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए अब अच्छे खाने वाले, तो रेट वगैरह मिला करके उस हिसाब से बेच दिया जाता है। के पास भी कुछ बच्चे हैं, वो भी सेल हो जाएंगे। यहाँ पास तो टोटल सेल हो चुके हैं, और भी हैं जो कि बड़े बड़े हैं। देखिए इस तरीके से बड़ी बकरियाँ हैं, तो बड़ी बकरियाँ आपको 16,000-18,000, तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगी। तो जो मैं दिखा रहा हूँ, और कलरफुल है, अंडुल है, हर तरह का बच्चा है यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे भी बच्चे जो है कि 500 रुपये KG है हर तरफ, मतलब 500-400। जहाँ मैं बताया वहाँ 350 रुपये KG था, वहाँ बच्चा सही नहीं था, लेकिन देखिए जहाँ बच्चा सही है वहाँ कीमत ज़्यादा। तो मैं पहले भी आपको बताया कि जहाँ बच्चा सही होगा वहाँ कीमत ज़्यादा होगा। इस तरीके से देखिए वो कैसे खाते हैं, वो पत्ते जो खाते हैं वही चीज़ खिलाए। और बकरी भी है यहाँ बड़ी बड़ी, तो बच्चे खूबसूरत खूबसूरत हैं, छोटे कान वाले, बड़े कान वाले, हर तरह के बच्चे हैं यहाँ पर। तो चुटाव उठा देख के ना ले, अच्छा ले, समझ के ले, देख के ले, परख के ले, उसे चला ले। और ऐसा जी बात है इसमें,
कोई पार्टी ले रहा है, कोई खस्सी, कोई बकरी। और फिर से दिखा दूँ आपको, भी देखिए इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसका जो है ये 800 रुपये के जी, और बच्चा जो है उसका रेट कम है। तो इस तरीके से मैं फिर से बार बार दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इस तरीके से बहुत सारे लॉट हैं यहाँ पे। तो आप जो चाहे आके ले सकते हैं, अभी तो बाज़ार लगी हुई है, अभी तो आपको जानवर मिल रहे हैं बाहर के नस्ल। इसमें देखिए तोता पड़ी। वैसे आज का जो बाज़ार है उसमें सारी बकरियां सब जगह लगभग लगभग बिक चुकी हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी 4 बची हुई है, इसमें भी देखिए भीड़, देखिए आप पहले इस भीड़ को देखिए किस तरीके से लोग हैं, और लगभग बकरियां बिक चुकी है। थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ है सब छटुआ है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है ना कि बच्चे कलरफुल होते हैं, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत और अच्छा बच्चा होता है, इसीलिए जो है कि इस चीज़ को देखते लोग खरीद लेते हैं। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग फटफट खरीद लेते हैं। तो अलग अलग रेट का बच्चा है, आप खाली सोच समझ के ले, जो हमारे व्यूअर जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं अलबला के नहीं। और इसमें भी एक भेड़ भी है, भेड़ का बच्चा है। तो ये भेड़ है, तो जो 800 रुपये के जी बताया जा रहा था कि ये 1500 से 2000 तक ये बच्चा मिल जाएगा आपको। इस तरीके से मैं फिर भी एक मार्केट का रेट आपको बताना चाह रहा हूँ। इस तरीके से बच्चे हैं मार्केट में, अभी कुछ बचे हुए हैं, फ्रेश लॉट आने वाले हैं। तो फ्रेश लॉट आए देखे, उसके बाद अगर लोकल है तो लॉट देख करके ले, क्योंकि जो बेहतरीन बच्चे होते हैं वो बिक जाते हैं। तो सोच समझ के देख करके ले, और अच्छे बच्चे लें, फुर्तीला लें, अच्छे नस्ल का चयन करें अगर आप एक पीस पालना चाहते हैं तो। और अगर आप ढेर पालना चाहते हैं तो पहले देहाती लें, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे बच्चे चुन करके खुद से लें, तब आपको तजुर्बा हो जाएगा। तब तक नस्ल भी मैं बता दिया हूँ, बच्चा भी बता दिया हूँ। एक यहाँ पे ब्रीडर भी है जो बड़ा ही शानदार ब्रीडर है, जो कि अदंत है और 6 महीने का ब्रीडर है। तो इस तरीके का आप ब्रीडर भी ले सकते हैं फार्मिंग के लिए। ये 6 ही महीने का बच्चा है, 6 महीने में इतना वजन गेन कर चुका है। बाजार में सब दिन भीड़ रहती है, शाम के टाइम अक्सर, सुबह में उतनी भीड़ नहीं रहती। तो इसमें सिरोही भी है, तोता पड़ी तो है नहीं, लेकिन बता 500 रुपये के। तो मैं रेट बता दिया आपको, माल दिखा दिया, पूरा काउंटर घूम के दिखा दिया। तो आपको जो भी बच्चा पसंद हो आप सोच समझ के ले, लेकिन इस तरफ भी स्टॉल पूरा लगी हुई है घोड़ा बाजार के सामने, इस तरफ भी घोड़ा तो सब बिक चुका है। तो अपना 500 रुपये अलग रेट है, इस तरीके से रेट है, अलग अलग दाम है। आप आए मार्केट में तो रेट बना लें अच्छे से, बड़बड़ी का रेट भी 550 रुपये। वैसे ये अंडूल बड़ा ही शानदार है, फिर से मैं दिखा दूं कि अगर आप इस तरह का अंडूल लेते हैं तो आप फार्मिंग करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, जो कि आप देख रहे हैं। तब मैं वीडियो को यहीं एंड करूंगा, फिर किसी और वीडियो में आपसे मिलूंगा, क्योंकि मैं पूरा मज़ार आपको घुमा दिया हूँ, फिर मैं आपको घुमाता रहूँगा कंटिन्यू। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।